इस रूम में दादाजी पोती के लिए बिस्तर और स्टडी टेबल लगवाते हैं, लेकिन दादी इस रूम में फिसल कर गिर जाती है क्योंकि इस लड़की का एक्स्ट्रा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ था। दादी की गिर जाने की वजह से ये लड़की इस रूम को खाली करवा देती है। अब हम इस साइड में स्टील के डंडों से स्क्वायर साइज के स्ट्रक्चर को लगाएंगे। रूम के बीच में प्लाई लगाकर इस साइड में बुक शेल्फ बनाएंगे जिसमें इसके पढ़ने की किताबें रखेंगे। इसकी साइड में अलमारी बनाएंगे जिसमें इसके कपड़े रखे जाएंगे। इस आगे बैठने का स्थान बना देंगे। इसके नीचे दो दराज लगाएंगे जिसमें इसके अंडर गारमेंट्स रखेंगे और ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां लगाएंगे। एक अलमारी गेट के पास बनाएंगे जिसमें ठंड के कंबल और कुछ और कपड़े रखे जाएंगे। खिड़की के पास टेबल बनाएंगे जिस पर ये लैपटॉप चलाएंगी। अब बिस्तर के ऊपर शानदार मुलायम गद्दा लगा देंगे। इसके पास रेक बनाएंगे और इसमें मोबाइल चार्ज करने के लिए सॉकेट लगाकर कुछ और किताबें रखेंगे सेफ्टी के लिए। बिस्तर के चारों ओर लकड़ी की जाली लगाएंगे। बिस्तर के नीचे एक दराज लगाएंगे जिसमें इसका एक्स्ट्रा सामान रखा जाएगा। अब आप भी इस रूम के नजारे को देखकर बताओ इसमें क्या कमी है।